अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IAS न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रेसिडेंट AIMIM और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर पी सबीता इंदिरा रेड्डी मैडम की निगरानी में जलपली म्यूनिसिपैलिटी के एरिए वार्ड नंबर 1 में 52 लाख की लागत से CC रोड के कामों का आगाज़ किया गया है। पिछले 35 से 40 साल में जो काम नहीं हुआ वो आज काम हसन शाह ने कर दिखाया है। वार्ड नंबर 1 काउंसलर हसन शाह ने आज एराकुंटे में CC रोड और ड्रेनेज लाइन की तकलीफ़ को दूर किया, जिसकी वजह से वहां की मुकामी आवाम काफ़ी खुश है। इस मौके पर एरिया काउंसलर हसन शाह के अलावा बस्ती के लोग मोहम्मद गासिम अलियाफ़ई और एम.ए. हुसैन साहब और एक्स सरपंच हामिद बिन अब्दुल अजीज़, मोहसिन खुलागी, मूसा बहरून, अली याफ़ई के अलावा दिगर लोग भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हसन शाह एरिया में आवाम के बीच आए तब से बस्ती में तब्दीली आई है। इस मौके पर एराकुंटा की आवाम ने एजुकेशन मिनिस्टर पी सबीता इंदिरा रेड्डी मैडम और AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा किया। आइए नाज़रीन देखें ये रिपोर्ट। IAS न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एजुकेशन मिनिस्टर सबीता इंदिरा रेड्डी मैडम की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह CC रोड के काम चालू हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों से रोडों के लिए नुमाइंदगी चल रही थी और काफ़ी वार्डों के अंदर रोड ड्रेनेज लाइन नहीं थे। उसी तरह वार्ड 1 के अंदर भी रोडों का और ड्रेनेज लाइन का काफ़ी प्रॉब्लम था। जब से जलपल्ली म्यूनसिपल बना है, जब से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी नुमाइंदगी चल रही थी और पूरे वार्डों के साथ ये भी वार्ड के अंदर इनाग्रेशन हुए। इस वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 1 के अंदर 92,20,000 की लागत से CC रोड्स के काम हो रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एरागुंटा वार्ड 1 के अंदर टोटल 8 स्ट्रीट के अंदर CC रोड का काम हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह ड्रेन और जहाँ जहाँ भी जो रोड नहीं हुए इंशाल्लाह वहाँ पे भी आगे भी रोड्स के काम होंगे और सभी वार्डों के अंदर काम चल रहे हैं। इस तरह आज भी हमारे वार्ड के अंदर काम चल रहा है और CC रोड के जितने भी ये वर्क है 92 लाख के, ये पूरे टोटल CC रोड के ही है। और आने वाले नेक्स्ट बजट्स में कुछ ड्रेन लाइन और CC रोड है, इंशाल्लाह उस कामों का भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आगाज़ होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हुसैन भाई इस्माइल, वार्ड नंबर 1 से, वार्ड नंबर 1 का सदर। जज़ाकअल्लाह खैर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, सबीता इंदिरा रेड्डी मैडम, जज़ाकअल्लाह खैर हसन शाह साहब काउंसलर, जज़ाकअल्लाह खैर वार्ड नंबर 1 में जो रोड का काम हुआ है, हम शुक्रिया अदा करते हैं बस्ती वाले पूरे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हबीब मोहसिन, असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो है सबीता इंदिरा रेड्डी मैडम, हसन शाह, बहुत बहुत शुक्रिया जो है हमारे CC रोड का काम हुआ, हम सबका जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुशी की बात है यहाँ पर जो है ना रोड का काम हुआ, जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से बड़ी मुश्किल थी रोड के आने जाने के लिए, बहुत तकलीफ़ें उठा रहे थे लोग। और आशा साहब अकबर मैडम की बहुत बड़ी मेहरबानी है जो इतना काम कर दिया हमारी बस्ती के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह और जज़ाकअल्लाह खैर। और बहुत बहुत शुक्रगुजार है लोग बस्ती के, बहुत खुश है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल के बाद रोड तो आ गई आने जाने के लिए रास्ता। एरिया को सर को भी सलाम वालेकुम, और वो भी बहुत कोशिश करें काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया और आगे भी काम होते रहेंगे इंशाल्लाह। और वार्ड मेंबर का भी बहुत बड़ा रूल था इसमें, काउंसलर साहब का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।